फ्रेंड, आज मुझे एक आमंत्रण मिला रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर की ओर से, डॉल ऑफ बंगाल एंड स्टैम्प्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका म्यूजियम एग्जीबिशन हॉल में 17 जून को 4 बजे इसका इनॉग्रेशन होगा, गोल पार्क कोलकाता। 17 जून को इसका इनॉग्रेशन होगा म्यूजियम एग्जीबिशन हॉल में। और इसके साथ साथ और एक भी है, कार्ड पेंटिंग नंदलाल बोस के एक कैटलॉग भी रिलीज किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं गोलपर कहाँ पर है। गूगल सर्च किए हैं इंडिया का मैप, हो गया वेस्ट बंगाल, कोलकाता, साउथ कोलकाता, ये आ गया गोल पार्क, गड़ियाहाट मार्केट के सामने वो गोल पार्क, ये है गोल पार्क, ये है साउदर्न एवेन्यू आने वाला और जाने वाला रास्ता, ये है पूरा बिल्डिंग रामकृष्ण मिशन कल्चरल बिल्डिंग, और ये है जादवपुर यूनिवर्सिटी की जाने वाला सड़के, और ये गोल पार्क, ये गड़ियाहाट रोड, ये है गड़ियाहाट रोड, और इधर बलीगंज स्टेशन की ओर रास्ते, ये बस स्टॉप है, इस साइड का बस स्टॉप, और गड़ियाहाट से आने वाले से होते हैं तो यहाँ पर साउदर्न एवेन्यू, यहाँ पर बस स्टॉप है, कहीं पर भी उतरने से हो जाएगा, और पैदल ही हम आ सकते हैं फुटपाथ पकड़ के। और ये है मेन एंट्रेंस, गेट नंबर 2, ये बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस है, इधर बस स्टॉप है और इधर मेन एंट्रेंस फुटपाथ है और गेट नंबर 2 है। इधर उतरने से भी फुटपाथ पकड़ के बिल्डिंग के सामने आ सकते हैं, पैदल ही आ सकते हैं, पीछे भी गेट है लेकिन मेन एंट्रेंस उधर नहीं है, मेन एंट्रेंस है गेट नंबर 2 इधर। आप थोड़ा सा गोल पार्क के चारों तरफ गोल चक्कर लगा के मेन गेट की ओर चल के देखते हैं, ये साउदर्न एवेन्यू से हम जा रहे हैं, दाहिने तरफ गोल पार्क है, गोल चक्कर लगा के बाएं तरफ गड़ियाहाट रोड चला गया, अब बाएं तरफ चला गया स्टेशन की ओर, बालीगंज स्टेशन की ओर, और ये जो सीधा रास्ता है ये जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, और ये रहा हमारा बिल्डिंग। ये मेन गेट, गेट नंबर 2, इस साइड में गड़ियाहाट है और इस साइड में साउदर्न एवेन्यू, साउदर्न एवेन्यू का रोड, गोल पार्क के और ये है मेन गेट, रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गोल पार्क कोलकाता, ये हेरिटेज बिल्डिंग है। ये जो मिशन इंस्टीट्यूट है ये यहाँ पर पूजा नहीं होता है, यहाँ शिक्षा, ज्ञान, संस्कृति, कला, ये
ये एजुकेशन और आर्ट और संस्कृति का एक हब माना जाता है। यहाँ पर लाइब्रेरी है, म्यूजियम है, ऑडिटोरियम है, एग्जीबिशन हॉल है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बहुत कुछ कवर करने के लिए है। लेकिन आज तो सिर्फ ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम ही कवर करेंगे और बाकी अलग सा वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा देंगे और क्या क्या है यहाँ पर। तो सिर्फ आज के वीडियो में डॉल और स्टैम्प एग्जीबिशन ही इनॉग्रेशन कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है, ये सेंटर 1938 में श्री रामकृष्ण एंड स्वामी विवेकानंद जी के आइडियोलॉजी पर विस्तार किया गया है। 1961 में ये बिल्डिंग तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया है और 1996 में ये हेरिटेज बिल्डिंग घोषणा किया गया है। चलिए अंदर जाते हैं। ये है रिसेप्शन एरिया, वेटिंग रूम एंड रिसेप्शन एरिया। अंदर ये कनेक्टेड एरिया है मेन एंट्रेंस, और चारों तरफ एक एक एरिया चला। और ये है ऊपर का सीलिंग, ये ही हमारा एरिया है, मेन एरिया है, यहाँ पर हमारा एग्जीबिशन इनॉग्रेट होगा। एकदम सीलिंग टॉप रूफ, ये टॉप रूफ है। और ये है सेकंड फ्लोर, यहाँ पर ही हमारा इनॉग्रेशन होगा, एग्जीबिशन हॉल इनॉग्रेशन होगा। ये है मेन स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। इस हाफ सर्कल एरिया में आप देखिए रेलिंग जो है वो हमारा अशोक स्तंभ से लिया गया हुआ, अशोक चक्र, हॉर्सेस, ऑक, लायन, एलिफेंट, उसके साथ बोधि वृक्ष, सब मिलाकर भारतीय सनातन धर्म का आन बान शान का प्रतीक है ये। और यहाँ पर ही रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ का, रामकृष्ण मिशन एंड बेलूर मठ का जो वाइस प्रेसिडेंट महाराज जी है, यहाँ पर आएंगे और हमारा ये एग्जीबिशन इनॉग्रेट करेंगे। Shanti, Shanti.
सबके साथ मैं भी वेट कर रही हूँ अंदर जाने के लिए, बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। यह है अंदर का सीन। मैं तो अंदर चले आया, लेकिन सबके हाथों में एक कैटलॉग है। चलिए देख लेते हैं कैटलॉग में है क्या।